जय संतगण आदिनम की महान प्रेरक परंपरा साक्षात सात्विक ऊर्जा का प्रतीक है आप सभी संत शायु परंपरा के अनुयायी है आपके दर्शन में जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना है वो स्वयं भारत की एकता और अखंडता का प्रतिबिंब है आपके कई आदिनम के नामों में ही इसकी झलक मिल जाती है आपके कुछ अधिनियम के नाम में कैलाश का उल्लेख है ये पवित्र पर्वत तमिलनाडु से बहुत दूर हिमालय में है फिर भी ये आपके हृदय के करीब है शैव सिद्धांत के प्रसिद्ध संतों में से एक तिरुमुलर के बारे में कहा जाता है कि वो कैलाश पर्वत से शिव भक्ति का प्रसार करने के लिए तमिलनाडु आए थे आज भी उनकी रचना तिरुमंदिरम के श्लोकों का पाठ भगवान शिव की स्मृति में किया जाता है अपर समंदर सुंदरर और माणिक का आवासगर जैसे कई महान संतों ने उज्जैन केदारनाथ और गौरी कुंड का उल्लेख किया है जनता जनार्दन के आशीर्वाद से आज मैं महादेव की नगरी काशी का सांसद हूं तो आपको काशी की भी बात बताऊंगा धर्मपुरम आदिनम के स्वामी कुमार गुरुपरा तमिलनाडु से काशी गए थे उन्होंने बनारस के केदार घाट पर केदारेश्वर मंदिर की स्थापना की थी तमिलनाडु के तिरुपन्नदाड़ू में काशी मठ का नाम भी काशी पर रखा गया इस मठ के बारे में एक दिलचस्प जानकारी भी मुझे पता चली है कहा जाता है कि तिरुपनंदर का काशी मठ तीर्थयात्रियों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता था कोई तीर्थ यात्री तमिलनाडु के काशी मठ में पैसे जमा करने के बाद काशी में प्रमाण पत्र दिखाकर वो पैसे निकाल सकता था इस तरह शैव सिद्धांत के अनुयायियों ने सिर्फ शिव भक्ति का प्रसार ही नहीं किया बल्कि हमें एक दूसरे के करीब लाने का कार्य भी किया सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद भी तमिलनाडु की संस्कृति आज भी जीवंत और समृद्ध है तो इसमें आदिनम जैसी महान और दिव्य परंपरा की भी बड़ी भूमिका है इस परंपरा को जीवित रखने का दायित्व संत जनों ने तो निभाया ही है साथ ही इसका श्रेय पीड़ित शोषित वंचित सभी को जाता है कि उन्होंने इसकी रक्षा की उसे आगे बढ़ाया राष्ट्र के लिए योगदान के मामले में आपकी सभी संस्थाओं का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है अब उस अतीत को आगे बढ़ाने उससे प्रेरित होने और आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करने का समय है